आज होली है इसलिए रॉड आज गुल्ली बुल्ली और सोन के साथ होली खेलने के लिए आया है, लेकिन रॉड को ये नहीं पता है कि गुल्ली बुल्ली और सोन रॉड को रंग लगाने के लिए छुपे हुए हैं। जैसे ही रॉड गुल्ली बुल्ली के घर पहुंचता है तभी सोन कहता है चलो गुल्ली बुल्ली जल्दी से रॉड को रंग लगाते हैं इससे पहले कि वो घर के अंदर चला जाए। ये कहकर ये लोग रॉड को पिचकारी से रंग लगाने लगते हैं। रंग लगते ही रॉड तुरंत ही पीछे पलटकर गुल्ली बुल्ली और सोन को देख लेता है और समझ जाता है कि गुल्ली बुल्ली और सोन अपने घर में रॉड को रंग लगाने के लिए छुपे हुए थे। तभी रॉड गुल्ली बुल्ली और सोन से कहता है अरे तुम लोग मुझे छुपकर रंग क्यों लगा रहे हो, मैंने तो सोचा था कि सबसे पहले मैं तुम लोगों को रंग लगाऊंगा लेकिन तुम लोगों ने मुझे छुपकर रंग लगाकर अच्छा नहीं किया, मुझे तुम लोगों पे बहुत गुस्सा आ रहा है, जाओ मैं आज तुम लोगों के साथ होली नहीं खेलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये कहकर रॉड यहाँ से अपने घर जाने लगता है। सोन कहता है अरे गुल्ली बुल्ली रॉड तो हम लोगों से गुस्सा होकर यहाँ से जा रहा है क्या कहते हो, चलो रॉड को फिर से रंग लगाते हैं। बुल्ली कहता है नहीं सोन रॉड को जाने दो, अगर हम लोग रॉड को दोबारा रंग लगाएंगे तो वो और भी गुस्सा हो सकता है और कहीं गुस्से में आकर उसने हम तीनों को फ्रीज कर दिया तो पता नहीं हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमें बाबा के घर जाकर ये सारी बातें बाबा को बता देनी चाहिए कि रॉड हमसे गुस्सा हो गया है। लेकिन बुल्ली रॉड तो हम लोगों से गुस्सा हुआ है तो बाबा इसमें क्या करेंगे। गुल्ली कहता है अरे सोन तुम पागल हो क्या, अपना थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाते हो, रॉड बाबा से गुस्सा नहीं हुआ इसलिए तो बाबा रॉड को समझा सकते हैं कि वो हम लोगों के साथ होली खेले, बाबा की बात सुनकर रॉड हम लोगों के साथ होली खेलने के लिए पक्का मान जाएगा। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और सोन बाबा के घर जाने लगते हैं। कुछ ही देर में ये लोग बाबा के घर के पास आ जाते हैं। यहाँ आते ही इन लोगों ने देखा कि बाबा के घर का दरवाजा तो खुला हुआ है लेकिन बाबा कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहे हैं, लगता है बाबा कहीं गए हुए हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन तुरंत ही जीप से उतरते हैं। तभी सोन कहता है गुल्ली बुल्ली बाबा अपने घर का दरवाजा खुला छोड़कर कहाँ चले गए। अरे सोन तुम हम लोगों को गुस्सा क्यों दिला रहे हो, हमें थोड़ी ना पता है कि बाबा कहाँ गए हुए हैं, अगर दोबारा तुमने हम लोगों से कोई भी सवाल पूछा तो मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें बाबा भी नहीं बचा पाएंगे। गुल्ली सोन को डांट ही रहा था कि तभी यहाँ बाबा आ जाते हैं। अरे ये क्या, बाबा तो पूरे रंग बिरंगे हो चुके हैं और बाबा के हाथ में एक पिचकारी भी है, लगता है बाबा कहीं होली खेलने गए थे। गुल्ली बुल्ली और सोन के पास आते ही बाबा इन लोगों को पिचकारी से रंग लगाने लगते हैं। क्या कहते हो गुल्ली बुल्ली, चलो पहले हम लोग बाबा के साथ होली खेलकर मजे ले लेते हैं उसके बाद हम लोग बाबा को रॉड के बारे में बताएंगे। बुल्ली कहता है नहीं सोन हम ऐसा नहीं कर सकते, रॉड हमारा दोस्त है और वो ऐसे होली के दिन हम लोगों से गुस्सा होकर हमारे साथ होली ना खेले, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो गुल्ली बुल्ली और सोन, तुम लोगों ने रॉड के साथ ऐसा क्या किया कि वो तुम लोगों से गुस्सा हो गया। गुल्ली कहता है बाबा हम लोगों ने रॉड को छुपकर रंग लगा दिया, बस इसी बात से रॉड हम लोगों से गुस्सा हो गया है, आप जल्दी हमारे साथ रॉड के घर चलिए और उसे समझा दीजिए कि वो ऐसे होली के दिन हम लोगों से गुस्सा ना रहे। बाबा कहते हैं तुम लोग चिंता मत करो मैं रॉड को अच्छे से समझा दूंगा, चलो अब जल्दी रॉड के घर चलते हैं। ये कहकर गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा रॉड के घर जाने लगते हैं। जाते जाते सोन कहता है मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर बाबा के समझाने के बाद भी रॉड नहीं मानेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे। बाबा कहते हैं वो सब हम लोग बाद में सोचेंगे सोन, पहले रॉड के घर चलो। और फिर कुछ ही देर में ये लोग रॉड के घर के पास आ जाते हैं। यहाँ आते ही इन लोगों ने देखा कि रॉड के घर के आसपास तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता है कि ये सब रॉड की एक चाल थी। जैसे ही गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा जीप से उतरते हैं तभी रॉड इन लोगों को पिचकारी से रंग लगाने लगता है। गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा ये सोचने लगते हैं कि ये इन लोगों को रंग कौन लगा रहा है। तभी ये लोग पीछे पलटकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ तो रॉड है, इसका मतलब रॉड ने भी इन लोगों को छुपकर रंग लगा दिया। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और सोन तुरंत ही समझ जाते हैं कि ये सब रॉड का एक मजाक था। तभी सोन गुस्से में आकर रॉड को कुत्ते की तरह दौड़ा देता है। ये लोग भाग दौड़ कर ही रहे थे कि तभी यहाँ चुन्नी आ जाता है, लेकिन अरे ये क्या, चुन्नी तो पूरा काला हो चुका है और तभी अचानक से चुन्नी रोने लग जाता है। चुन्नी के रोने की आवाज सुनकर रॉड और सोन रुक जाते हैं और चुन्नी की तरफ देखने लगते हैं। सोन कहता है अरे चुन्नी को क्या हो गया, जल्दी चलो चुन्नी के पास। ये कहकर ये लोग दौड़ते हुए चुन्नी के पास जाने लगते हैं। चुन्नी के पास आते ही रॉड कहता है अरे चुन्नी तुम रो क्यों रहे हो और तुम्हारी ये हालत किसने की, तुम मुझे उसका नाम बताओ, सच बता रहा हूँ मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चुन्नी कहता है मुझे किसी ने कुछ नहीं किया, मैं तो बस अकेले होली खेल रहा था, तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं नाली में जाकर गिर गया, बस इसीलिए मैं रो रहा हूँ। चुन्नी रो ही रहा था कि तभी यहाँ आलोक बनी और सारे क्रिमिनल्स आ जाते हैं, लगता है ये लोग यहाँ होली खेलने के लिए आए हैं।
यहाँ आते ही आलोक कहता है, क्या हुआ गुल्ली बुल्ली और सोन, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो सोचा था कि तुम लोग अपने घर पे होली खेल रहे होगे, इसलिए हम लोग रॉड को लेकर तुम लोगों के घर ही आने वाले थे, लेकिन तुम लोग हमें यहीं मिल गए। सोन कहता है, अरे आलोक, होली तो हम लोग अपने घर पे ही खेलेंगे, यहाँ तो बस हम लोग ऐसे ही आए थे, लेकिन चलो अब चलकर स्विमिंग पूल में होली खेलते हैं। ये कहकर ये सारे लोग होली खेलने के लिए गुल्ली बुल्ली और सोन के घर जाने लगते हैं। घर आते ही ये सारे लोग स्विमिंग पूल में कूदकर होली खेलने लगते हैं और कुछ ही देर में चुन्नी भी इन लोगों के साथ होली खेलने के लिए नहाकर आ जाता है, क्योंकि गुल्ली बुल्ली और सोन ने चुन्नी को होली खेलने से पहले नहाने को कहा था। और इस तरह से आज गुल्ली बुल्ली और सोन होली खेलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।